बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है 2.3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। इसमें आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 हमारे इसी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से हेल्प लीजिए। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 5√3/32। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 5√3/32। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसको सिंपलीफाई करने के लिए ये 32 तो सिंपलीफाई नहीं होगा, यहाँ पर 32 सिंपलीफाई होगा। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे हम, इसको देख के बाहर जो नंबर है 5, तो इसको हमने क्या करना है, 5 टुकड़ों में तकसीम करना है। तो अगर हम इस तरह करें कि इसको 5√3/, अब इस 32 को हम 5 × 2 लिखें तो ये 32 बनता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16 = 16, 2 × 32। देखें 32 बनता है 5 times। हमने इसको देखकर हमने ये सिंपलीफाई किया है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइव इंटू 3/, अब इसको हम 5 times जो 2 है इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। जब हमने इसको 2 की पावर 5 लिखा तो यहाँ पर 3 है, हम इसको यहाँ पर अलहदा लिख सकते हैं ताकि हमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 5√, हम इसको क्या करेंगे, इससे 2 की पावर 5 नीचे है तो 1/2 की पावर 5 करेंगे, × 3 को हम यहाँ पर साइड पे लिखेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन से हम क्या है बचा जा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर ये नेक्स्ट स्टेप में इस तरह हो जाएगा 5√1/2³/5 × 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 की पावर जो भी लिखें वो 1 के बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। अब चूंकि ये इसकी पावर इससे बराबर है और ये पावर ही नहीं है इसका, तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे रूट को। तो ये होगा 5√1/2^5 × 5√3 होगा। तो यहाँ से ये पावर 5 और 5√ कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/2 × ये तो मज़ीद सिंपलीफाई नहीं होगा, एस इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास होगा √3 और यहाँ पर 5√3। अब चूंकि ये डिवाइड में है तो हम इसको इसी तरह लिखें तो भी ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5√3/2 नीचे है तो 2, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सिंपलीफाइड फॉर्म।